Development of individual consciousness. Discuss development of individual consciousness. Perhaps the most famous aspect of portrait of artist as a young man is Joyce's innovation use of stream of consciousness, a style in which the author directly transcribes the thoughts and sensations that go through a character's mind, rather than simply describing those sensations from the external standpoint of an observer. Joyce's use of stream of consciousness makes a portrait of the artist as a young man a story of development of Stephen's mind. Joyce जो है वो use of stream of consciousness जो है ये technique जो है वो use करता है. और what is the stream of consciousness? Stream of consciousness is basically the chain of thoughts के एक इंसान की memory, उसका faith, उसकी beliefs, उसकी सोच, उसके ख्यालात, उसकी जो एक chain है उसको stream of consciousness कहा जाता है. तो वो ये stream of consciousness technique use करता है जो कि एक पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बनाती है अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टीफन माइंड, जो कि इस कहानी को एक डेवलपमेंट ऑफ स्टीफन्स माइंड को बयान करती है. इन द फर्स्ट चैप्टर द वेरी यंग मैन इज ओनली कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग हिज वर्ल्ड इन सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस. पहले चैप्टर के अंदर स्टीफन जो है सिर्फ जो है इस काबिल होता है कि वो जो कहानी है वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स और फ्रेजेस में बयान कर सकता है. द सेंसेशंस दैट ही एक्सपीरियंसेस आर ऑल जंबल्ड टुगेदर विद अ चाइल्ड लैक ऑफ अटेंशन टू कॉज एंड इफेक्ट. वो जो सेंसेशंस होती हैं वो सब जंबल्ड टुगेदर होती है, यानी कि वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होता है क्योंकि उसके अंदर एक चाइल्ड लैक ऑफ अटेंशन टू कॉज एंड इफेक्ट होता है. लेटर व्हेन स्टीफन इज अ टीनएजर ऑब्सेस्ड विद रिलीजन ही इज एबल टू थिंक इन अ क्लियर मोर एडल्ट मैनर. Paragraphs are more logically ordered than in the opening sections of the novel, and thought progress logically. Stephen's mind is more mature, and he is now more coherently aware of his surroundings. Nonetheless, he still trusts blindly in the church, and his passionate emotion of guilt and religious ecstasy are so strong that they get in the way of rational thoughts. It is only in the final chapter, when Stephen is in the university, that he seems truly rational. By the end of the novel, Joyce renders a portrait of her mind and has achieved emotional, intellectual, and artistic adulthood. Sorry. अब यहाँ पे देखें कि हमने देखे कि उसके different जिंदगी में कुछ जो है levels और transformations देखे. जैसे जब मैं आपको character पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको ये 4 stages बहुत detail पढ़ाई थी, इसलिए यहाँ पे जरा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया. यहाँ पे वो कहते हैं कि पहले जब स्टार्टिंग में होता है तो वो बिल्कुल ही एक बचपन में एक जंबल पोजीशन में बयान कर रहा होता है अपनी सारी पोजीशन. और एंड ऑफ द नॉवल में हम देखते हैं कि जॉयस जो है रेंडर्स अ पोर्ट्रेट ऑफ माइंड. ठीक है, जॉयस जो है वो उसका एक पोर्ट्रेट ऑफ माइंड जो है जो लास्ट सेक्शन है वो उसकी पोर्ट्रेट ऑफ माइंड को शो करता है दैट इज अचीव्ड इमोशनल, जो कि अचीव कर जाता है एक इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक एडल्टहुड को. ठीक है, एट द एंड ऑफ द नॉवल हमें पता चलता है कि वो जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है एक आम इंसान से लेके और एक आर्टिस्ट तक, आर्टिस्टिक प्रोसेस तक. ठीक है, उसका ये पूरा प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस इज बेसिकली द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड. जो चीज हमें नजर आती है दैट इज बेसिकली द कॉन्शियसनेस. और जो हमारे फेथ्स होते हैं, जो हमारे बिलीफ होते हैं, जो हमारा ईमान है, दैट इज बेसिकली द सब कॉन्शियस. ये हमारे सब कॉन्शियस लेवल पे हर चीज चल रही होती है. तो हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो हमारी सब कॉन्शियस पार्ट्स होती हैं जो हमारे सामने उमड़ के आती हैं हमारी जिंदगी के साथ साथ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज, हमारा ईच एंड एवरीथिंग, हमारे इवन अगर किसी इंसान के साथ हमारा इख्तलाफ भी है बचपन में, आपको आपके फादर के साथ कोई इख्तलाफ है, आपकी मदर के साथ कोई इख्तलाफ है, वो एक्चुअली आपका एक सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आपके सब कुछ चल रहा होता है. क्योंकि माइंड एक ऐसा बॉडी पार्ट है इंसान का कि आपकी पूरी बॉडी रेस्ट करती है लेकिन आपका दिमाग रेस्ट नहीं करता. सबसे ज्यादा काम इंसान जब सो भी रहा होता है तो उस वक्त भी उसके ड्रीम्स चल रहे होते हैं. दैट इज बेसिकली द सबकॉन्शियस. उस वक्त वो अपने सबकॉन्शियस में होता है. और अनकॉन्शियस बेसिकली जो उसकी इनर कॉन्शियस होती है वो उसकी सेल्फ अवेयरनेस होती है.
एक दफा इंसान जब सब कॉन्शियस से इनर कॉन्शियस की तरफ ट्रेवल करता है तो फिर उसको अंदाजा होता है कि मैं कहाँ भी सही हूँ, मैं कहाँ भी गलत हूँ, मुझे अब जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना. तो बेसिकली दैट इज द लेवल, हम इसको कहते हैं ये जो डिफरेंट कॉन्शियसनेस की स्टेट्स हैं माइंड की, ये आपकी जिंदगी के अंदर आती हैं, यानी कि कॉन्शियस जो आप देख रहे होते हैं. और सब कॉन्शियस वो होता है जो आपके ड्रीम्स होते हैं, आपके आइडियाज होते हैं, आपके व्यू पॉइंट्स होते हैं. और उसके बाद जब आप उससे भी एक अगली स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, दैट इज योर इनर कॉन्शियस. एंड इनर कॉन्शियस जो है वो आपकी लीड करती है टू सेल्फ अवेयरनेस. जब इंसान सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंचता है तो एट दैट टाइम उसको अंदाजा होता है कि उस वक्त वो एक, वो हमने पढ़ा ना पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में, एक हमने टर्म पढ़ा एपिफेनी, ठीक है, आपको इल्हाम हो जाना, आपको अचानक से रिवेलेशन ऑफ ट्रुथ हो जाना, हकीकत का पता चल जाना. ये जो आपकी अवेयरनेस है दैट लीड्स टू, मतलब आप एट दैट टाइम जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है जो कि आपके इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल कट के आती है, और वो जब आप इन माइंड्स के लेवल से ट्रेवल करते हैं, इस जर्नी को आप जो है कंप्लीट करते हैं टू इनर कॉन्शियस, तो फिर जाके एक आर्टिस्ट बनता है. द डेवलपमेंट ऑफ स्टीफन कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट की, ये जो स्टीफन की कॉन्शियसनेस, उसकी ये जो सोच थी, उसकी ये जो डेवलपमेंट हुई उसकी कॉन्शियसनेस की इन पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग थी बिकॉज इन सो फार एज स्टीफन इज पोर्ट्रेट ऑफ जॉयस हिमसेल्फ, क्योंकि स्टीफन जो था वो बेसिकली जॉयस की अपनी ही एक पोर्ट्रेट था, उसकी अपनी बताई हुई कहानी थी, यानी कि उसकी अपनी लाइफ से रिलेटेड थी. स्टीफन डेवलपमेंट गिव्स अस इनसाइट इनटू डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी जीनियस, और वो लिटरेरी जीनियस कौन था, वो स्टीफन, सॉरी जे जॉयस खुद था. स्टीफन्स एक्सपीरियंसेस हिंट एट द इन्फ्लुएंसेस दैट ट्रांसफॉर्म जॉयस हिमसेल्फ इनटू ग्रेट राइटर ही इज कंसीडर्ड टुडे. Stephen's obsession with language, his considered to, his strange relation with religion. Stephen ki obsession jo ki uski language ke saath hui, phir uski strained relations the religion ke saath, family ke saath aur culture ke saath, aur uski jo dedication thi to forging an aesthetic of his own mirror of the ways in which Joyce related to the various tensions in his life during his formative years. Aur phir jo hai uski जो जॉयस रिलेट करता है वेरियस टेंशन अपनी लाइफ के अंदर अपनी ही फॉर्मेटिव ईयर्स में. और लास्ट चैप्टर में हम क्या देखते हैं नॉवल के, वी आल्सो लर्न दैट जीनियस दो इन मेनी वेज अ कॉलिंग आल्सो रिक्वायर्ड ग्रेट वर्क एंड कंसीडरेबल सैक्रिफाइस. और जो है हम ये भी देखते हैं कि ये जो जीनियस है दो बहुत से वेज में अ कॉलिंग आल्सो रिक्वायर्स ग्रेट वर्क और कंसीडरेबल सेक्रीफाइस, कि एक जो जीनियस होता है, एक जो आर्टिस्ट होता है, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ग्रेट वर्क करना पड़ता है, और उसको कंसीडरेबल सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है. वॉचिंग स्टीफन डेली स्ट्रगल टू पजल आउट हिज एस्थेटिक फिलोसफी, वी गेट अ सेंस ऑफ द ग्रेट टास्क दैट अवेट्स हिम. और हम जब स्टीफन को डेली बेसिस पे देखते हैं कि वो कन्फ्यूज हो जाता है आउट हिज एस्थेटिक फिलोसफी, तो हम एक सेंस ऑफ ग्रेट टास्क भी जो है वो फील करते हैं जो कि दैट अवेट्स हिम, जो कि उसका वेट कर रही होती है. ब्रॉट अप इन अ डिवोट कैथोलिक फैमिली, स्टीफन इनिशियली एस्क्राइब्स टू एन एब्सोल्यूट बिलीफ इन द मोरल्स ऑफ चर्च एज अ टीनेजर. दिस बिलीव लीड्स हिम टू टू ऑपोजिट एक्सट्रीम, बोथ ऑफ विच आर हार्मफुल. और टीनेजर जो है उसका ये बिलीव जो है उसको दो ऑपोजिट एक्सट्रीम्स की तरफ लेके जाता है जो कि दोनों ही हार्मफुल होती हैं. At first he falls into the extreme of sin. सबसे पहले वो extreme of sin में fall कर जाता है, repeatedly sleeping with prostitutes and deliberately turning his back on the religion. Though Stephen sins willfully, he is always aware that he acts in violation of the church rule. और वो ये जानता था, though Stephen sins willfully, लेकिन वो हमेशा इस चीज के बारे में अवेयर रहा कि वो जो है चर्च के रूल्स को वायलेट कर रहा है. Then, when Father Arnold's speech prompts him to return to Catholicism, he bounces to other extreme, becoming a perfect, near fanatical model of religious devotion and obedience. तो वो फिर totally, जैसे ही वो Father Arnold की speech की तरफ सुनता है, तो बिल्कुल ही एक कट्टर किस्म का Catholic हो जाता है.
Eventually, however, Stephen realizes that both of these lifestyles, the completely sinful and completely devout, are extremes that have been false and harmful. He does not want to lead a completely debauched life. Na to wo a completely debauched, sinful life guzarna chahta tha, but also rejects austere Catholicism. Balki usne is austere, yani ki ye jo cutter Catholicism thi, usko bhi jo hai reject kar diya, because he feels that it does not permit him the full experience of being human. Kyunki ye jo hai usko allow nahi karti ki wo full experience of human being ko know-how kar sake, uski know-how usko ho sake. Stephen ultimately reaches a decision to embrace life and celebrate humanity after seeing a young girl wading at a beach. To him, the girl is a symbol of pure goddess and of life lived to the fullest. The portrait of artist as a young man explores what it means to become an artist. Stephen's discussion at the end of the novel to leave his family and friends behind and go on into the exile in order to become an artist suggests that Joyce sees the artist as a necessarily isolated figure. Portrait of artist as a young man, mein hum ye dekhte hain ki explores, wo ye novel ye explore karta hai, ye kahani ye explore karti hai ki ek artist banne ka matlab kya hai. So Stephen decisions at the end of the novel ki wo apni family aur friends ko ke faislon ko piche chhod deta hai and go in to exile, aur wo exile mein chala jata hai in order to become an artist, taaki wo ek artist ban jaye. Wo ye suggest karta hai ki ek artist banne ke liye aapko ek isolated figure banna padta hai. In his decision, Stephen turns his back on his community. Usne apni community ko chhod diya, refused to accept the constraint of political involvement. Usne political involvement ki constraint jo hai usko accept karne se refuse kar diya. Uske saath refusing to religious devotion ko usne refuse kiya and family commitment ko and the community placed on its member aur us community ko jo ki uske members pe based karti thi. However, though the artist is an isolated figure, Stephen's ultimate goal is to give a voice to every community that he is living. Aur though ye jo artist jo hai wo ek isolated figure hai, Stephen jo hai uska ultimate goal ye hai ki wo ek voice deta hai to every community jo ki wo chhod raha hai. In the last few lines of the novel, Stephen expresses his desire to forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race. और जो है इन द एंड स्टीफन जो है अपनी डिजायर जो है वो शो करता है. वो कहता है हिज डिजायर टू फोर्ज इन स्मिथी ऑफ माय सोल. एक्चुअली वो चाहता था कि वो अपनी सोल में अपनी जो सोल है उसमें जो है डीपली पेनेट्रेट कर जाए. द अनक्रिएटेड कॉन्साइंस ऑफ माय रेस, जो अनक्रिएटेड कॉन्साइंस था उसकी रेस का. जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कॉन्शियसनेस होते हैं इसके डिफरेंट लेवल होते हैं, तो वो अपने अनक्रिएटेड कॉन्साइंस में अपनी रेस के वो वहां पे जाना चाहता था जो कि अनक्रिएटेड हो, जो कि कभी किसी ने देखा ना हो या कभी किसी ने बनाया ना हो. ही रिकॉग्नाइजेस दैट हिज कम्युनिटी विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ हिम एज इट हैज क्रिएटेड एंड शेप्ड हिज आइडेंटिटी. और वो उसको ये रिकॉग्नाइज होता है कि उसकी जो कम्युनिटी है विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ हिम, तो वो हमेशा उसका हिस्सा रहेगी एज इट हैज क्रिएटेड, क्योंकि इसने उसको क्रिएट किया है एंड शेप्ड हिज आइडेंटिटी और उसी ने उसकी आइडेंटिटी बनाई है. व्हेन ही क्रिएटिवली एक्सप्रेसेस हिज ओन आइडिया ही विल आल्सो कन्वे द वॉइस ऑफ हिज एंटायर कम्युनिटी. और जब वो क्रिएटिवली एक्सप्रेस करता है अपने ही आइडिया को, तो वो ये कन्वे करता है अपनी एंटायर कम्युनिटी की वॉइस को. इवन एज स्टीफन टर्न्स हिज बैक ऑन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन एंड मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी, he envisions his writing as a service to the community. Despite his desire to steer clear of politics, Stephen constantly ponders Ireland's place in the world. He concludes that the Irish have always been a subservient people, allowing outsiders to control them. In this conversation with the Dean of Studies at the university, he realizes that even the language of the Irish people really belongs to English. Stephen's जब वो कन्वर्सेशन करता है डीन ऑफ द स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी, तो उसको ये रियलाइज होता है कि ये जो लैंग्वेज ऑफ आयरिश पीपल है वो भी तो इंग्लिश से बिलोंग करती है. तो स्टीफन परसेप्शन ऑफ आयरलैंड सबसर्वियंस हैज टू इफेक्ट्स ऑन हिज डेवलपमेंट एज एन आर्टिस्ट. तो स्टीफन की जो ये जो सबसर्वियंस थी वो एक्चुअली डिपेंड करती है ऑन
his development of matlab two effects on his development as an artist. Pehli baat ye ki it makes him determined to escape the bonds that his Irish ancestor had accepted. Actually pehli baat ye ki wo determine ho jata hai ki wo un bonds un shackles ko se escape kar jayega jo ki Irish ancestors ne accept kiye, as we see in this in conversation with Devin. Stephen feels an anxious need to emerge from his Irish heritage as his own personal, free from shackles that have traditionally confined his country. Do you fancy I'm going to pay in my own life and personal debts may they made? Second, aur wo fir kya kehta hai, do you fancy I'm going to pay in my own life? Aur wo jab ye baat karta hai, Stephen jo hai wo feel karta hai anxious to need to emerge from his Irish heritage as his own person, apni ek individuality ke saath jo hai wo apni Irish heritage mein emerge karna chahta tha, free from shackles jo ki kisi bhi kism ki bondage se, shackles se azad ho, that have traditionally confined his country, jo ki traditionally confined kar diya usko uske country ne. Do you fancy I'm going to pay in my own life? Kya tumhe is cheez mein matlab tum fancy kar rahe ho ki tum andaaza kar sakte ho ki main किस तरीके से अपनी लाइफ को पे करने जा रहा हूँ एंड पर्सन डेब्ट्स दे मेड, और ऐसे उस पर्सन को यानी कि मैं अपनी ही लाइफ और अपने पर्सन के डेब्ट्स को पे करने जा रहा हूँ, अपने ही पर्सनल डेब्ट्स को पे करने जा रहा हूँ जो उन्होंने बनाए हैं. किन्होंने बनाए? जो कि उसकी इर्द गिर्द की सोसाइटी ने बनाई है, जो उसकी नेशनलिज्म है, जो उसकी आयरिश जो ट्रेडिशन चली आ रही है, जो शेकल्स हैं, बॉन्ड्स हैं. वो कहता है जो बनाए हैं, जो ये शैकल्स जिन्होंने क्रिएट किए, मैं तो उनको पे करने जा रहा हूँ. सेकंड, स्टीफन परसेप्शंस मेक हिम अनडिटरमाइंड टू यूज हिज आर्ट. उसकी जो परसेप्शंस होती हैं वो उसको सॉरी डिटरमाइंड कर देती हैं, पक्का कर देती हैं कि वो यूज करे अपने आर्ट को टू रिक्लेम ऑटोनोमी फॉर आयरलैंड, ताकि वो रिक्लेम करे ऑटोनोमी फॉर आयरलैंड यूजिंग द बोरोड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. उसने बोरो किया यानी कि लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश को बोरो किया, यूज किया. बोरो करना किसी से लेना, ठीक है. ही प्लान्स टू राइट इन अ स्टाइल दैट विल बोथ ऑटोनोमस फ्रॉम इंग्लैंड एंड ट्रू टू द आयरिश पीपल. और उसने प्लान किया कि वो राइट करेगा एक स्टाइल में जो कि बोथ ऑटोनोमस होगा, यानी कि एक जैसा होगा इंग्लैंड और आयरिश का, और वो ट्रू होगा आयरिश पीपल के लिए, ठीक है. तो उसने एक ऐसी लैंग्वेज को चूज किया, ऐसे स्टाइल को चूज किया जो दोनों में कॉमन था और जिससे व्यू पॉइंट भी क्लियर हो जाए. दैट इज योर टूडेज lesson.